शुभ अवसर पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में विराजमान मेरे साथी अधिकारीगण कमिश्नर श्री और श्री दीप चंद्रा जी, कमिश्नर श्री और श्री के गुप्ता जी, जीएम फाइनेंस, जीएम प्रोजेक्ट दोनों, अन्य सभी साथी अधिकारीगण, हमारी सम्मानित महिला अधिकारीगण मोनिका, अर्चना, वंदना और अभी अन्य सभी सम्मानित महिला अधिकारीगण, हमारे सभी कार्मिकगण, हमारे यहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मीगण, यहाँ पर मौजूद डीएमआईसी आईआईटी जीएनएल के अधिकारीगण और यहाँ पर शहर के सभी सम्मानित नागरिकगण, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, भारत के अन्य सभी सम्मानित नागरिकगण, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो कि हमारा एक आजादी दिवस है, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, गौतम बुद्ध नगर के सभी जनपद वासियों को और इस ग्रेटर नोएडा शहर में जो कहा जाता है कि आधुनिक भारत में जो नए इंस्टीट्यूट बनाए गए उनमें ग्रेटर नोएडा शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं ग्रेटर नोएडा शहर के सभी नागरिकों को, आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा हमें हमारे एडिशनल सीईओ श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने अभी अपने बहुत ही ओजस्वी भाषण में हमारे उन शहीदों के बलिदान के बारे में बताया, तो आप सबको पता है ये जो आजादी मिली, आज हम एक आजाद भारत में अपनी स्वेच्छा से नौकरी कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो इसके पीछे हमारे भारत के उन शहीदों ने किस प्रकार के कष्ट सहे, कितने बलिदान दिए, अपनी जान को बलिदान कर दिया, इसके बारे में अभी गुप्ता जी ने डिटेल में बताया। उन शहीदों को मैं अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से, आप सब की ओर से, ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उनका हार्दिक नमन करता हूं कि आज उनके कारण हम यहां पर इस आजाद भारत की अच्छी हवा में बैठे हुए हैं। यहाँ की जो आजाद भारत की जो भारत माता की ये भूमि है, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू में हम बैठे हैं। शहीदों के यदि मैं नाम लेने लगूं, मेरे ख्याल से उसकी अनगिनत फेरिस्त है। अभी गुप्ता जी ने बताया यदि उसे एक संख्या का अनुमान किया जाए तो क्या है, कितने शहीदों ने, बहुत सारे शहीदों के नाम हमें पता है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, कितने लोगों के हम नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, उस तरह की पीढ़ी, सभी प्रकार के जो लोग हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिन्होंने जो चुपचाप अपनी शहादत दे दी, उनका किसी को पता भी नहीं चलता, उसके बाद भी इस देश की आजादी को बनाए रखने के लिए भी आप देखिए कई प्रकार के अपने युद्ध लड़े, उस समय भी हमारे बहुत सारे सैनिकों ने यहाँ पर शहादत दी। हमारा स्टेडियम शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर है, तो आप वो जानते हो। इस देश की आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारे पुलिस बंधुओं ने, बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार की जो है जो अंदरूनी लड़ाई है वहां पर भी उसमें उन्होंने जान दी। हमारे साथ ऐसे ऑफिसर, उनके परिजन आज हमारे इस परिवार का हिस्सा है जिन्होंने अपनी शहादत दी उसी आजादी को बनाए रखने के लिए। ये दिन है जब हम उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मुझे ध्यान है आप ऐसे किसी, आप उसमें चले जाइए, आप जो गुप्ता जी ने जलियांवाला बाग की बात करी, आप जलियांवाला बाग चले जाइए, उस शहीदी कुआं के सामने, खूनी कुआं कहा जाता है उसके खड़े होकर उसके सामने आप जब गोलियों के निशान देखते हैं, आप अंडेमान निकोबार की सेलुलर जेल में चले जाइए, उस काल कोठड़ी में जहां पर हमारे उस टाइम के जो कैदी जिस तरह से बंद थे और उनकी कोठड़ी के सामने फांसी का घर था जो आज भी वहां पर मौजूद है और उनके सामने वहां पर फांसी लगे, उस फांसी वाली कोठड़ी में चले जाइए तो वहां पर आज भी आपको उस तरह की एक अभिव्यक्ति होती है जिसका वर्णन बहुत मुश्किल है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहां पर। जरा सा उसकी सोचिए आप, कितने वर्षों बाद वहां पर उस स्थान पर जब आप जाते हैं, आप जाकर देखिए किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, तो सोचिए उस समय जब हर समय उनको खतरा रहता था उसके बावजूद बिना डरे हुए आपको बहुत सारी
उनके जो संस्मरण में आपने गुप्ता जी ने आज यहाँ पर सुनाए, आज उन शहीदों को याद करने का एक जो है उनके चरणों में नमन करने का एक अवसर है कि हम याद करें। गुप्ता जी ने भी ये भी कहा कि हमें जहां पर एक हमें जो एक आजादी अंग्रेजों से मिली, उनके जो जुल्मी राज से मिली, परंतु उसके बावजूद बहुत सारी आजादियां हमें और भी आगे प्राप्त करनी है। आजकल भी आप देखते हैं एक अघोषित शत्रु, एक अनदेखा शत्रु COVID-19 नामक वैश्विक महामारी से भी हम लोग जूझ रहे हैं, किसी को नहीं दिखता है। बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी साइंस फिक्शन में पढ़ते थे कि इस प्रकार की अटैक होते हैं कि जहां पे शत्रु दिखाई नहीं देता, और उसमें पूरी दुनिया को उसने अटैक कर रखा है। परंतु भारतवर्ष में मैं कहता हूँ बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर रखे। विद इन भारत यदि हम स्टोरी देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद, यदि भी ये पहले बहुत लगता था कि यहाँ की स्थिति से फैल रहे हैं, अभी भी हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर पर हैं, परंतु बहुत अच्छे ढंग से गौतम बुद्ध नगर जनपद निवासियों ने, यहाँ की जो प्रशासनिक टीम ने, यहाँ पर सभी लोगों ने, जिसमें हमारी ग्रेटर नोएडा टीम का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है, इस बीमारी का बहुत अच्छे ढंग से वीरों की भांति सामना किया है। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद का जो नियंत्रण का मैकेनिज्म है वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में हम जो इसके कारण जो वृद्धि हो रही है उसके नियंत्रण में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया सक्सेस स्टोरी के तौर पर गिने जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में भी हम लगभग एक महीना पहले हम तीसरे नंबर पे थे। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से हमारे आंकड़ों में और सुधार हुआ है, इस समय यदि उन आंकड़ों को चेक किया जाए जरूर हम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर आए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी। और आप सबको पता है कि जब कोविड महामारी फैलनी शुरू हुई थी, जब 22-23 मार्च के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन के माध्यम से इस लड़ाई से सामने से लड़ने का ऐलान किया था, पूरे भारत में पूरे शहरों में सब जगह लॉकडाउन था, और इस ग्रेटर नोएडा के सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारा सबसे छोटा कर्मचारी, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कर्मचारी जिनको दिहाड़ी के शायद 300-400 रुपए मिलते हैं, वो इस जंग मैदान में कूद कर उस कोविड नामक महामारी की बिना कोई चिंता किए हुए हमारे शहर के सभी नागरिकों को बचाने के लिए इस बीमारी से वो घर घर जाकर, वो कंटेनमेंट जोन में जाकर उसमें जो है वहां पर छिड़काव करके उस कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को लागू करके जिस प्रकार की जरूरत थी, हर प्रकार की व्यवस्था बाद तक आज तक जिस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत थी बिना प्रवाह किए उन्होंने व्यवस्था लागू करी। और नोडल अधिकारी के तौर पर जब मैं व्यवस्था को कंपेयर करता हूँ तो मैंने पाया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों का, अधिकारियों का काम कहीं अधिक बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी में सबसे अच्छा। जब आपने देखा होगा दिल्ली से 26-27 मार्च के आसपास एक मास एक्सोडस, एक महाप्लान शुरू हुआ था और एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ था कि जो हमारे श्रमिक बंधु, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जिनको आज हम कहते हैं, जब वो अपने घरों की ओर जाना शुरू हुए, जो दिहाड़ी मजदूर थे, तो उस समय कितनी भीड़ लगी थी गाजियाबाद के और यहाँ पे सबसे, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ग्रेटर नोएडा के आप ही में से मुझे चुनकर वहां पे इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली में हर माइग्रेंट वर्कर हजारों लाखों की संख्या में उस समय फोन आ रहे थे और उनकी शिकायत थी कि उनके फोन को उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी अटेंड नहीं कर पा रहे। तो फिर उस समय मुख्यमंत्री जी ने आप ही लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी मेरे माध्यम से, और हमने 24 घंटे में उस कंट्रोल रूम को सेटअप किया था। सबसे पहले यूपी भवन में इस कंट्रोल रूम को 24 घंटे का किया गया, हर कॉल को अटेंड करने का, यूपी का कोई भी नागरिक कहीं भी बैठा हुआ है उसको, फिर उसके बाद इसी ऑफिस में आपके ग्रेटर नोएडा डीएमआईसी के अधिकारियों ने सेटअप किया, वहां पर अधिकारी हमारे जाने लगे, मुरादाबाद में सेटअप किया, और एक एक कॉल को ना केवल दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख और जो दिल्ली का कंट्रोल रूम था, जो हमारे कंट्रोल रूम थे उसमें पूरे भारतवर्ष की कॉल आती थी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डीएमआईसी के अधिकारी बैठे हुए, तो उसको भी बहुत अच्छे ढंग से इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को जिस प्रकार की सुविधा देने की जरूरत थी, कईयों की समस्याएं आई, कईयों को खाना पहुंचाने की जरूरत आई, वहां दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करके यहाँ से भी खाना भेजकर उनकी व्यवस्थाएं की गई, मुझे ध्यान है सिलेंडर की व्यवस्थाएं की गई। किसी व्यक्ति ने फोन पर कहा कि वो 8 दिन में अकेला कमरे में बंद है, उसे टेंशन हो रही है, तो उसकी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कराई। किसी एक महिला के पति की डेथ हुई, उसने कहा नहीं आ पाएंगे, तो उसका संस्कार भी कराया। जम्मू कश्मीर से किसी हमारे अध्यापक का
खीरी में आकर उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की अंतिम इच्छा थी, उस बच्चे की इच्छा थी कि मैं अपने पिता का संस्कार कर सकूं। यहाँ के अधिकारियों ने रात को बात करके दो दो घंटे में उसका पता लेते हुए, पूरी चेन बनाते हुए, हमने और अधिकारियों का सहयोग लेते हुए, हमारे पुलिस कमिश्नर का सहयोग लेते हुए, जम्मू कश्मीर सरदार का सहयोग लेते हुए उनको घर पहुंचाया ताकि वो अपने पिता के अंतम दर्शन कर सके, उनका संस्कार कर सके। जो एक सामाजिक कर्तव्य होते हैं, एक बेटे का जो एक ऋण होते हैं, उसके मातृ ऋण, पितृ ऋण, देश ऋण, उसको चुकता करे, उनमें से एक ऋण को चुकता कर सके। किसी एक और मतलब किसी की बच्चे की मृत्यु हुई बिजनौर में, उसको लाया गया। इस प्रकार से यूपी के हर नागरिक को, सिर्फ इतने से लोगों ने, आप सोचिए यूपी की 20-22 करोड़ की जनता है, सिर्फ इस जो है मैं कहता हूँ ये मुट्ठी भर लोगों ने, इस ग्रेटर नोएडा काउंटी के लोगों ने उसको पूरे को हैंडल किया और बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया। और आज कोविड महामारी निश्चित तौर पर अभी भी मौजूद है और इसमें कोई हम लोगों को शांत बैठने के लिए मतलब ये नहीं मैं कह रहा, परंतु हमने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इस महामारी पर नियंत्रण पा सकेंगे, इसको काबू कर सकेंगे और इससे भी आजादी पाएंगे। जब अगली 26 जनवरी या 15 अगस्त को ये महामारी केवल इतिहास में चली जाएगी, जिस प्रकार से अंग्रेज लोग इतिहास में चले गए, उसी प्रकार से ये महामारी भी इतिहास में पड़ी है। और गुप्ता जी की स्टोरियों में इस महामारी के बारे में भी आप लोग सुनेंगे। आज 15 अगस्त का अवसर हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें देखना है कि जब हमारे शहीद अपनी जान की परवाह किए बिना सीने पर गोली खाने को तैयार थे तो क्या सपना था, क्या उन्होंने सोचा था, कैसे भारत के बारे में सोच रहे थे। निश्चित तौर पर उनके भारत के बारे में कुछ सपने होंगे, उसी सपने पर उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। तो जब आजाद भारत उन्होंने दिया, उन्होंने हमारे जब आज हम यहाँ बैठे हैं इसी सपने को वो देख रहे होंगे कि मेरे आजाद भारत के लोग ऐसे देखकर तिरंगे के नीचे शान से अपनी बातें कर रहे होंगे, किसी प्रकार का डर नहीं होगा उनको, तिरंगे को एक गर्व से सीना चौड़ा करके सिर ऊंचा करके उसको झंडे को सलाम कर रहे हैं। तो उनकी क्या उनके मन में सपने थे, क्या हमने उन सपनों को पूरा किया, वो जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। हमें उस प्रकार की शहादत देने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें थोड़ी सी मेहनत करके ये सोचने की जरूरत है कि उन्होंने क्या सोचा था, किस प्रकार का सपना उन्होंने बुना था, क्या उनके सपने को पूरा करने का जो एक अवसर हमको मिला है, ये मैं कहता हूँ बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि यदि हमें तिरंगे के नीचे आजाद भारत में उसके नीचे बैठने का, ठीक है, अपने राष्ट्रीय गान गाने का अवसर, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी भी बहुत सारे दोष, बहुत सारे देशों में इस प्रकार की समस्या है, तो भारत ने अपने आप को अग्रणी बनके दिखाया, तो हमें देखना है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इस ग्रेटर नोएडा शहर ने आई थिंक उन सपनों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण निभाया। ये कहा जाता है ये शहर जो है जिस प्रकार से यहाँ का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ का डिजाइन हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है। मैं जब अफसरों से बात करता हूँ, दूसरे राज्यों के जो शहर है, दूसरे राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर बसना चाहते हैं जो ग्रेटर नोएडा के बारे में उन्होंने सोचा। कई बार मुझे ध्यान में उदाहरण देता हूँ, केरल के एक पुलिस अधिकारी आए, एक बार कोई डिसीजन लेने आए थे, बाद में डिसीजन नहीं फलीभूत हुआ, परंतु उन्होंने आते ही कहा, सर एक महिला अधिकारी थी, उन्होंने कहा सर मैंने इस प्रकार का सुना तो था, परंतु जब मैं ग्रेटर नोएडा में एंटर कर रही थी मैं एकदम हैरान रह गई कि क्या ऐसा भी शहर इंडिया में हो सकता है। ये डिजाइन सिर्फ इन्हीं लोगों की मेहनत की बदौलत है, इस शहर इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। आप सब इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज ग्रेटर नोएडा शहर ना केवल देश के अग्रणी शहरों में जाना जाता है, इसने आगे जो एक होता है, आजकल के जो मंदिर कहा जाता है, जो इंस्टीट्यूट हम खड़े करते हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ये एक नोएडा मेट्रो उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है कि आपने नोएडा मेट्रो बनाई, आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 12% शेयर होल्डिंग है, लगभग 300 करोड़ रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हम भी उसके मालिक हैं, चार मालिक हैं उसके, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना और यूपी सरकार सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से 12.5% लगभग 300 करोड़ हमने खर्चे, और ये एक भारत की सबसे सफलतम उदाहरण है। किसी भी टाटा बिरला डालमिया रिलायंस ने ऐसा भारत का आधुनिक मंदिर नहीं खड़ा किया होगा
जिसमें ना केवल भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर स्थापित होगा, परंतु उस 300 करोड़ स्थापित करने की बजाय लगभग 12,000 करोड़ की कमाई हमको वापस मिलेगी। 40 गुना आमदनी। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10-15% की बात करते हैं, यहाँ पर 300 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके इस अथॉरिटी को लगभग जिस प्रकार के आंकड़े हैं, जिस प्रकार की बिड आई है कि हर एक पैसेंजर उतरेगा तो 400 रुपए उसमें उस कंपनी को मिलेंगे, जिसमें 12% हर पैसेंजर पर 50 रुपए लगभग हमको मिलेंगे और 12,000 करोड़ रुपए का अनुमान है जब पहले उसको मिलेगा, फिर उसके बाद वो सालों साल चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी उदाहरण है, इससे बड़ा कौन मतलब बिजनेस में हो सकता है। यदि पैसेंजर की बात करें तो भारत के लिए अभी तक भारत में जितने एयरपोर्ट हैं इसमें 6 रनवे प्लान्ड है, इसमें 4 रनवे बहुत जल्दी लगभग उम्मीद है कि यदि रनवे बनते 12 साल में ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट में आपने देखा 3 रनवे है, एक ही रनवे का स्कोप है, इसमें 6 रनवे प्लान्ड किए अभी अगले 12 साल में ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट। हमने जो हमारे स्मार्ट सिटी आजकल बन रहे हैं उसमें इसी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी 50% भागीदारी करके भारत सरकार के साथ शेयर होल्डिंग करके 50% भारत सरकार के डीएमआईसी के थ्रू दिया और यूपी सरकार ने इसके थ्रू दिया। तो एक डीएमआईसी आईआईटी जीएनएल एक शहर है, यहाँ पे उसके अधिकारी बैठे हुए हैं, तो शहर को जाकर देखने वाली बात है। वो जो 9 स्मार्ट सिटी बनने और उनमें सबसे अग्रणीन है, वो शहर पूरी तरह से वायरलेस पर कनेक्टेड होगा। जब वो शहर पूरी तरह विकसित हो जाएगा आप मोबाइल में बैठे हुए हर चीज उसमें कर सकते हैं। उसकी स्मार्टनेस में मैंने कहा स्ट्रीट लाइटें सब सेंसर बेस्ड, सब कुछ, वाटर सप्लाई जो कहा जाता है कि आप अपने घर का दरवाजा बंद करना है तो भी जो है आप मोबाइल से बंद कर सकते हो, आप घर में आ रहे हो आपने अपना माइक्रोवेव ओवन करना है कि आपका खाना गर्म हो जाए, जो आप सिरे रख के गए हैं वो भी आप गर्म पहुंचने से 10 मिनट पहले ऑन कर दीजिए गाड़ी में आते हुए, सब सुविधाएं होंगी। यहाँ तक के जो गुप्ता जी ने बात करी जो उसमें गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है वो भी फुली ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति जिसका घर है, जिसका प्लॉट है, जिसकी इंडस्ट्री है, केवल एक पाइप में अपना कूड़ा डालेगा और पाइप में नीचे नीचे अपने आप को प्रेस होके वो जहां पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वहां तक पहुंच जाएगा। और ये एक उसकी बेस्ट उदाहरण है, जिसको हम कूड़ा कहते हैं वो कूड़ा ना होके वो भी अपने आप में एक ट्रैश इकोनॉमी है, वो भी एक अपने आप में उसमें भी एक सोना है उसके अंदर, वो भी अब रिसाइकलिंग के थ्रू उसकी वैल्यू को भी जनरेट किया जा रहा है। तो ये इसी ग्रेटर नोएडा ने इस प्रकार के जो आधुनिक बंदर हैं हमारे उनको भी स्थापित किया है, ये उसके उदाहरण है। 2 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो ग्रेटर नोएडा का जो स्टेशन बनेगा आप दिल्ली कोलकाता लाइन पर, दिल्ली गाजियाबाद जो ग्रेटर नोएडा का स्टेशन बनेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई रेलवे स्टेशन आपने इंडिया में नहीं देखा होगा, वो एक शॉपिंग मॉल की तरह जो बड़ा की जो वहां पर जो आपका जो है जो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब वो अपने आप में एक नमूना होगा कि आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म के एक तरफ उतरिए ट्रेन से, अगर आप कानपुर अपने घर पे आ रहे हैं, हमारे के यादव जी इटावा में से अक्सर आते रहते हैं, तो जब वो उतरेंगे तो उनको दूसरी तरफ उसी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ उनको ऊपर से ऐसे चढ़ के नहीं आना पड़ेगा, उसी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ बस टैक्सी या उनकी कार लगी हुई है, उसी में आपको मेट्रो मिलेगी, मेट्रो ISBT रेलवे स्टेशन सबका ऐसा संगम आपने नहीं देखा हो। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद इंडस्ट्रियलाइजेशन का है कि यहाँ पर लोग आप पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे बिजनेस सेंटर के तौर पर प्रॉफिट सेटअप करें, तो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो बन रहा है कि उसका होता है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाऊं और बहुत जल्दी भारत के हर कॉर्नर में बेच लूं, यदि मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं पोर्ट पर ले जाऊं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर ले जाऊं, तो आज जहाँ पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगते हैं हमारी मालगाड़ियां की स्पीड बहुत कम है 30 है, वो यहाँ पे जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसमें मैं कहता हूँ हमारे एडिशनल सीओ गुप्ता जी और उनके साथ जितने और अधिकारी हैं उनका कंट्रीब्यूशन यदि एक जाएंगे बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। जिस प्रकार से मीटिंग कर करके इन्होंने लैंड डिपार्टमेंट, नियोजन डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट और सभी लोगों ने लॉ डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से आई थिंक उन इश्यूज को सुलझाया है वो अपने आप ही काफी है। देखता हूँ जब भी उसकी मीटिंग होती है किस प्रकार से इतने पेचीदा मामलों को गुप्ता जी ने जिस प्रकार से उनको सुलझाया है, निश्चित तौर पे इसी थोड़ी के लोग
इस अथॉरिटी को मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से इसमें जो इसकी एक रूपरेखा जिस तरह से इस ग्रेट उन्होंने शहर को डिजाइन किया गया है, पीछे इसमें कुछ समस्याएं हैं। वर्ष 2011 से कुछ आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने आई, हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, उसके कारण कुछ हमारे सामने कठिनाइयां आई जो स्पीड हमें पकड़नी थी नहीं हुई, परंतु उस कमी को अपने कंसल्टेंट्स के माध्यम से आज यदि मैं कल बैठा हुआ और आज गाड़ी में आता हुआ मैं गिनने का प्रयास कर रहा था कि इस अथॉरिटी को एक बेस्ट सिटी के तौर पर, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं, यदि मैं उनको गिनना शुरू करूं जो मैं अभी आपको बता सकता हूं, सबसे पहले अगले 25 साल के लिए यहाँ पे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने राइट्स कंसल्टेंट को हायर किया। अभी आपने खबर पड़ी होगी कि आपके अधिकारियों ने किसान चौक पर जाकर, आपने वो फोटो देखी होगी, उसको जो है उसको मूर्त रूप देने के लिए मौके पर निरीक्षण करके उसकी कार्ययोजना बनाई कि वहां पर एक अंडरपास बनने से उस समस्या को काफी हद तक समाप्त किया जा रहा है। परी चौक का एक टेम्पररी सोल्यूशन यहाँ के अधिकारियों ने, जो यहाँ पे आप लोगों ने कार्निवल किया और कार्निवल में कुछ नई शुरुआत करी कि यहाँ पर जो हमारे इतनी टैलेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सीईओ बैठे हुए हैं, वो हमने यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उनको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया परी चौक का, उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया। उस परी चौक सोल्यूशन का मैं आज रोज देखते हुए, रूपे जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अक्सर पूछता हूँ ट्रैफिक जाम की क्या स्थिति है, तो जब एक छोटा सा उसका एक पहलू लागू किया गया, अभी जो आप देख रहे होंगे महीना दो महीने से, तो उसमें से ये जो बसें आती हैं उनको मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा किया जाए, सलोनिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, कपिल का कंट्रीब्यूशन है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, समाकांत जी और कौशिक का कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने देखिए आप उसका नतीजा कि परिचौक पे जो जाम लगता था वो बहुत हद तक कम हुआ, वो आगे भी जब कोविड के कारण ट्रैफिक पूरा बनेगा तो उसका हल होगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। जो राइट्स जो नियोजन विभाग ने हमारे उसको हायर किया, अगले 25 साल के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। आज भारतवर्ष यदि आप देखेंगे, जो बेंगलोर जैसा शहर जो माना जाता है कि सबसे अच्छा शहर था, आज ट्रैफिक के कारण आपको पता नहीं है कि अपनी मीटिंग में वहां पर समय से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा का डिजाइन ट्रैफिक के हिसाब से अच्छा हुआ है, जहां जहां कुछ बोटल नेक बन रहे हैं अगले 25 साल के लिए वो आपको सोल्यूशन देंगे। यदि आज आपको किसानों के लिए, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों ने जो लैंड दी है उनके लिए लैंड ऑडिट, क्योंकि उनको कहा जाता है अभी बता रहे थे कि सब 6% के लिए लैंड नहीं है, हमको इतने सालों से हम दे नहीं पाए हैं, लैंड ऑडिट के माध्यम से एक लैंड ऑडिट की कमेटी आई है, कल मैं उनकी पहली अचीवमेंट देख रहा था, देखकर दिल खुश हो जाता है कि एक चीज सामने आ जाती है कौन सी जमीन पर हमारा अधिग्रहण हो गया है, कौन सी शेष है, लाल पीले हरे रंग से समस्या भी सामने आ गई, सोल्यूशन भी सामने आ गया। ईला नामक एक कंसल्टेंट ने पहले गांव की कल रिपोर्ट दी, उनके लिए एक स्मार्ट विलेज, जो हम कहते हैं कि यहाँ पर कई विलेज बहुत अच्छे से विकसित हुए हैं परंतु अभी कई विलेजेस में काम होना बहुत जरूरी है, तो स्मार्ट विलेजेस की एक शुरुआत हमने करी कि कंसल्टेंट को हायर किया है, निश्चित तौर पर समय लगता है परंतु आज वो भी एक कंसल्टेंट के तौर पर हमारे मौजूद है। एक विलेज में कैसे उसकी सभी प्रकार की, केवल हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पर सड़क और नाली बन जाए, वहां पर उनके हर पहलू की, कि वहां पर हेल्थ का ध्यान देना है तो एक वहां पर जो एक कम्युनिटी सेंटर होगा उसमें हेल्थ कैसे हैंडल की जाए, वहां पर शिक्षा का क्या होगा, वहां पर ट्रेनिंग कैसी होगी, वहां पर सीनियर सिटीजन के लिए किसी प्रकार की लाइब्रेरी बननी है। इंटरनेट कहा जाता है कि आज सबसे बड़ा इनेबलर है दुनिया में, जिन ऐसी कुछ इन्वेंशन, ऐसी कुछ खोज जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, कहा जाता है उसमें आग एक थी, उसमें पहिया दूसरी बड़ी खोज थी, उसमें जो है मैकेनिकल पावर जो पहले भाप से बनने वाला स्टीम का इंजन उसमें तीसरी बड़ी पहुंच थी, बिजली उसमें दुनिया की चौथी बड़ी पहुंच थी, इंटरनेट उसमें पांचवी बड़ी पहुंच थी। इंटरनेट आज एक मौलिक अधिकार के तौर पर सामने आया है जो आपको एक इतना इनेबल करता है, उसके थोड़े से 5-7 उसके दुरुपयोग है, उससे बचना चाहिए, परंतु 95% एक ऐसी शक्ति है, एक घर में बैठी हुई अनपढ़ महिला के हाथ में एक ऐसी शक्ति है, एक बुजुर्ग के हाथ में एंटरटेनमेंट या दुनिया से जुड़ने का एक रास्ता है, एक छोटा बच्चा जिसके पास पढ़ने का साधन नहीं है, जिसके घर में बिजली हो ना हो, परंतु वो इंटरनेट के माध्यम से आज जो दुनिया के बेस्ट कॉलेज हार्वर्ड कॉलेज ने जो कोर्सेज तैयार किए हैं उसको सीख सकता है, उस
तो कोई स्कूल यदि नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जितने बड़े अमीर हैं, चाहे वो फेसबुक का जुकरबर्ग देख लीजिए, चाहे बिल गेट्स देख लीजिए, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने किसी भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई पूरी नहीं करी, स्कूल छोड़ गया कोई कॉलेज छोड़ गया, केवल दिमाग अपना था परंतु दुनिया में जुड़ता रहने चल गया। तो स्मार्ट विलेज में वो इंटरनेट पर जाया जाएगा। आज इंटरनेट जब भी हमारे टेलीफोन कंपनियों ने इतना रेवोल्यूशन दिया है कि इंटरनेट सब जगह है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति के हाथ में जो पे कर सकता है जो नहीं पे कर सकता उसको स्मार्ट विलेज के माध्यम से वो कंसल्टेंट अपने हाथ में। आज हमने जो एक स्मार्ट सिटी बनाने की जो एक रूपरेखा है समाकांक्षी कौशिक जी दोनों ने मेहनत करके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो वाटर सप्लाई का जो है, जो हमारे सीवरेज का, जो हमारा ड्रेनेज का एक पूरा मास्टर प्लान नहीं बना, उसको IIT रुड़की एक कंसल्टेंट के माध्यम से वो पूरा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें उस योगा की तरह होती हैं कि जो आपके शरीर को मजबूत तो करता है, किसी को पता नहीं चलता, परंतु यदि बीमारी हो जाए तो उस डॉक्टर साहब की तुरंत याद आ जाती है। यदि आप उसको योगा की तरह उसको मजबूत कर लें तो कभी डॉक्टर साहब पास जाना ना पड़े। तो ये चीजों को जो असली मजबूती होती है किसी भी शहर की, ये मास्टर प्लान वो IIT रुड़की के माध्यम से वो बनाए जा रहे हैं। और इसी स्ट्रेंथ में, इन्हीं अधिकारियों की स्ट्रेंथ पर वो ना केवल ये मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं, जो एक चौथा कंसल्टेंट हमने GIS के माध्यम से जो सिलेक्ट किया है। GIS का मतलब आपका हर खंबा कंप्यूटर पर होगा, इस मोबाइल पर आपको दिखेगा, और यदि वो खंबे में शाम को लाइट 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक जल रही है तो इस मोबाइल में आप जब इसका नक्शा देखोगे, जैसे भारत माता के नक्शे को आप लोग बड़े खुशी से देखते हैं, ग्रेटर नोएडा के नक्शे को देखोगे और उस खंबे में भी एक डॉट जलता हुआ नजर, और यदि लाइट नहीं जल रही तो यहीं पर वो डॉट बंद दिखाई देगा और भरता जी और खजान सिंह और जो उनके उच्च अधिकारियों को यहीं बैठे पता चल जाएगा कि कहां पर उनको काम जाकर काम करने की जरूरत है। GIS के माध्यम से आज पानी का लीकेज होता है तो ये GIS सिस्टम में आज जो मैं हंसता हूं कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है, फिर मैसेज हम लोग गौतम जी तक पहुंच जाते हैं, गौतम जी नीचे पहुंच जाते हैं, तो अपने आप उनको यदि उसमें सेंसर लग जाएंगे तो अपने आप उनके मोबाइल पर SMS चला जाएगा कि यहाँ पर लीकेज हो गई है। मोबाइल जो वो पाइपलाइन है उसमें जो लगा हुआ सेंसर इनको मैसेज भेजेगा। कोई पब्लिक को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक पब्लिक की शिकायत आएगी तो GIS सिस्टम, ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत लागू हो जाएंगे, ये सिस्टम जब ये सेंसर बेस्ड लागू करने के लिए पहले उसके सिस्टम बनाने पड़ते हैं। पहले ना केवल आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, आप उस पाइपलाइन की ड्राइंग को पूरा पूरा कंप्यूटर में उतारना पड़ता है। मौके पर कोई अधिकारी जाता है अपने मोबाइल में उस बटन को, जहां पर मेन हो रहा है सीवरेज में आऊंगा, उस पर खड़ा होकर मोबाइल बटन दबाता है तो वो कंप्यूटर पर जो है GPS के थ्रू, GIS के थ्रू आपके कंप्यूटर पर पहुंचता है, उसको डिजिटाइज किया जाता है। ड्रोन के थ्रू आपके पूरे शहर की फोटो ली जा रही है 60%। कल मैं उसका प्रेजेंटेशन देख रहा था 2.5 घंटे, वो एक जिस तरह से GIS आपका मूर्त रूप ले रहा है, जैसे कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है उसकी एक सूक्ष्म शरीर है, जो उसकी जो आत्मा होती है, और सूक्ष्म शरीर को यदि आप देखने लग जाए ध्यान के थ्रू, और फिर आप ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचते हैं, तब जाके आखिर में आप फिर क्या देखते हैं, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर, ठीक है। उसी तरह जब आप ग्रेटर नोएडा को सूक्ष्म तौर पर आप जो है ये कंप्यूटर में ले जाएंगे तो जो आपका बाहर ग्रेटर नोएडा है वो आपके मोबाइल में आपको दिखेगा उसकी आत्मा, और यहीं से आप पूरे उस गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट शहर के तौर पर। सीवरेज की समस्या जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सीवरेज जगह जगह भरता है, और हमारा सोल्यूशन क्या है कि हम ट्रक के माध्यम से उसको खींच कर ले जाते हैं, एक जो है सुपर सक्कर के माध्यम से, तो उसका जो है वहां की टीम जिसमें समाधान जी है, जिसमें उनके एडिशनल CEO दीप चंद्रा है, श्रीपाल भाटी जी हैं, और उसके बाद प्रभात शंकर हैं, इस टीम ने ऐसा अनोखा काम किया और बताया कि सब जब हमने बनाया था तो उसमें प्लग लगे हुए थे, प्लग मतलब टेम्परेरी दीवार, और जब आप सीवरेज सिस्टम खोलते हैं तो उन प्लगों को उतारा जाता है, पर कहीं से हम लोगों से उस समय चूक हुई, इसके कारण आज दो प्लगों के बीच में सीवरेज भरता है तो उसको हम खींच के लेते हैं।
उन प्लग को रिमूव करने का काम हुआ आज कोविड के समय का, आपने बहुत अच्छा सदुपयोग किया, तो हमने उनमें से आधे प्लग्स को डाली, आज 60% ग्रेटर नोएडा में वो प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है, और जब 40% भी हम हटा देंगे अगले 25 साल तक यहाँ पर सीवरेज की वो प्रॉब्लम नहीं रहे, और उसको भी जीआईएस के माध्यम से डिजिटाइज किया जा रहा है। कल आप देख रहे थे जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से सारे मेन उनको ढूंढा गया, मेन और ढूंढने जा रहे हैं यहाँ पर। आप ध्यान है टाइम ऑफ इंडिया में स्टोरी करी थी स्टोरी ऑफ मिसिंग मेन होल्स, ठीक है, ये जो मिसिंग चीजें हैं इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब मैं हेल्थ विभाग में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बना, पहले दिन मेरे फाइल आई कि जो गुम डॉक्टरों की फाइल है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर जो छुट्टी लेके गायब हो जाते हैं उनकी फाइल, उस पर आपने ध्यान चलाया। यहाँ हमारे गुम प्लॉट होते हैं, यहाँ गुम मिसिंग हॉल है, आजकल प्रभात शंकर उन्हीं को ढूंढने में लगा हुआ, सबको जीआईएस में ट्रांसफर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अभी आपने देखा होगा एक रोबोट का प्रयोग किया, मुझे ध्यान है जब 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था अगले दिन ही दिल्ली में 3-4 हमारे जो स्पाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी जहरीली गैस के कारण, स्पाई कर्मचारी करने के लिए उतरे थे, उसके बाद भी कई बार आप स्टोरी सुनते गाजियाबाद में करते हुए क्या है कि मानव जीवन की कीमत इतनी कम हो गई है कि वो हमारे जो है उसके लिए हम उसको अपनी जान देनी पड़े। जान शहादत, यदि आप देश के लिए लड़ाई लड़ते हो, अंदरूनी लड़ाई लड़ते हो, वहां तो समझ आती है, परंतु ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे हर कर्मचारी को उसकी सुरक्षा हो पूरी तरह से। तो उसी में आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने शुरू में जो व्यवस्था बनाई थी, जो हमारी जो स्पाई कर्मचारियों की टीम है उसको पूरी को सब सुरक्षा उपकरण दिए गए थे, ये जो है जिससे जहरीली गैस का पता चलता है, वो इक्विपमेंट खरीदे गए थे, और उस कड़ी में अभी एक रोबोट खरीदा गया। रोबोट में हमारे उन कर्मचारियों को जो नीचे उतरता, आप सोचिए सीवरेज को साफ करना, वो आई थिंक सबसे बड़े आज जो इस आधुनिक भारत में योगदान देने के लिए यदि सबसे अधिक योगदान को देते। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, 5 स्टार होटल में एक मीटिंग होती है, जो जीएम है उसका, जो मालिक है रतन टाटा साहब, वो उस होटल में जाकर इनाम देते हैं कि 5 स्टार होटल में यदि आज ये सबसे सफल होटल है तो उसकी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किसको मिलेगा। उस होटल के जीएम साहब ने कहा मुझे मिलेगा, जनरल मैनेजर में चलाता हूँ, बिल्कुल मिलेगा, परंतु एक बार बढ़िया होटल बना देना, बढ़िया से बढ़िया कंसल्टेंट हायर करके मेरे लिए संभव है। इस होटल के कमरे में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का बाल गिरता है, किसी का खाने का एक छोटा सा कोर गिरता है, टुकड़ा गिरता है, किसी का कुछ छोटा सी चीज गिरता है, मेरा जो कर्मचारी जो इस कमरे की सफाई करता है 5 स्टार में, यदि आज इस कमरे के लिए एक रात के लिए मैं 15-20 हजार चार्ज करता हूं, और मेरा एक ग्राहक द्वारा इस कमरे में आता है, तो उसके पीछे सबसे ज्यादा योगदान मेरे उस सफाई कर्मचारी का है, जो उस छोटे से बाल को, जो सिर के गिरे हुए बाल को, जो रोटी के छोटे से टुकड़े को, कोई छोटी सी चीज हुई है, जूते का छोटा सा पॉलिश का टुकड़ा गिरा है, उसको ढूंढकर साफ करता है। अब देख लीजिए 5 स्टार होटल में आपको यदि ये चीजें मिल जाए, कोई उस होटल में द्वारा जाना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से हमारा वो सफाई कर्मचारी जो सीवरेज में उतर के सफाई करता है, जो हमारे द्वारा जनरेट की गई गंदगी को साफ करता है, आज यदि शहर में सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी का योगदान जो है हमारे उन छोटे कर्मचारियों का है, जिनको हमारी भाषा में छोटे कर्मचारी कहा जाता है, परंतु मेरे ख्याल से रुतबे में काम करने में योगदान देने में उनका रुतबा सबसे बड़ा। आज ये सब काम करके एक ऐसा शहर हम खड़ा करें, उसमें और बहुत सारे ईआरपी का हम सिस्टम बना रहे हैं। आज मैं सवेरे हफ्ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे जो भाषण सुन रहा था रास्ते में, उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश के नागरिकों को हमें बस छोड़ देना चाहिए कि वो इस देश के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके, वो रोजगार क्रिएट कर सके। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि उनका सरकार के साथ लगभग इंटरेक्शन मतलब जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो लगभग कम हो जाए, जीरो हो जाए। उनके लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है, आज उनको अपना नक्शा पास कराने या कोई भी अप्रूवल के लेने के लिए यहां ना लेना पड़े। आपने बैंकिंग में ये तरीका देखा होगा, मुझे ध्यान है बैंकों में ड्राफ्ट बनाने के लिए हम लोग जाते थे, ध्यान है एडमिशन लेना है जाके, पहले तकरीबन आधा दिन लग जाता था, फार्म भरते थे, फिर देते थे, फिर बैठते थे, फिर उनकी इच्छा होगी तो उस दिन आपको ड्राफ्ट बना के 2 घंटे में दे देते थे। अब आज केवल इंटरनेट ने केवल उन्होंने ऐसी सुविधा बनाई, हर व्यक्ति बैंक मैनेजर है, हर चीज कर सकता है,
24 घंटे रात को आप जो है रात को आपने फीस जमा करनी है आप, तो आप उस समय रात को 11 बजे अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ये बैंक ने इंटरनेट ने ऐसी सुविधा बनाई कैसी आपको जो है उसी प्रकार से हमारा जो ईआरपी सिस्टम हमने एक कंसल्टेंट टेक महिंद्रा को भी सिलेक्ट किया है जिसने हमें ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं हमारे जो लॉटरीज हैं उनको कोई भी चीज के लिए हमारे पास आना नहीं पड़ेगा घर बैठे हुए। एक अथॉरिटी के मैनेजर की पावर अथॉरिटी के डीजीएम की पावर अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ सीईओ की पावर वो खुद बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। केवल एक ग्रेटर नोएडा का जो अप्रूवल देने का सिस्टम है वो ई अथॉरिटी होगी वो एक तरह से हर सिस्टम को अपने डिफाइन कर दिया वो खुद उसको कर पाएगा। ईआरपी जीआईएस नक्शे ऑनलाइन की प्रक्रिया के हमारे कंसल्टेंट है अपने ईआरपी स्पेशलिस्ट हो गया है। मित्र ऐप मैंने कहा मित्र ऐप की ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही है ऐसी अभी उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं कि मित्र ऐप में अभी भी उसका कोऑर्डिनेट्स पकड़ता है परंतु तब आप मुंबई के नीचे खड़े हैं तो वो देखेगा कि लाइट है लाइट बंद है तो वो बंदा भी शिकायत कर सकेगा और उसको जब फोटो कॉन्ट्रेक्टर के पास पहुंचेगी कॉन्ट्रेक्टर को वापिस आकर उसी में जब वो डालता है कि देखिए ये लाइट जल गई है यहाँ पे गार्बेज था ये उठ गया यहाँ पर जो गड्ढा था वो भर गया और वो उस पे उस व्यक्ति को फीडबैक के लिए मैकेनिज्म जाएगा वो शिकायत तभी बंद होगी और ये मित्रा जीआईएस ईआरपी अपने आप इंटीग्रेट होगा। आपको अपने मोबाइल पे आपको एक बटन दबाना है मुझे वेकेंट प्लॉट दिखा दो वो नीले रंग के सारे वेकेंट प्लॉट दिखा देगा। आप कहिए अलॉटेड प्लॉट दिखा दीजिए वो पीले रंग के सारे अलॉटेड प्लॉट आपको दिखा देगा आपका कंप्यूटर आगे तो आप उसको जो आजकल जो उस तरह के प्लेटफॉर्म आते हैं आप उस पर दिखा दीजिए तो वो भी आपको दिखाता है। वो गूगल से बोलने से आप ये सुविधा कर पाएंगे खाली प्लॉट अगर एक इन्वेस्टर है कहीं बैठा हुआ दुनिया को ये सब आखिरी में जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको नींव बनानी पड़ती है एक मजबूत नींव देनी पड़ती है बिल्डिंग करनी करनी पड़ती है। आज कल आपने जितने ये 15-16 कंसल्टेंट अभी हायर किए हुए हैं वो आपकी इस स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार देकर वो नींव बना रहे हैं वो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं ताकि आप इस प्रकार की सुविधा और मैं कह सकता हूं अगले आज से अगले 2-3 साल में आप ये सारी सुविधाओं को असली यहां पर साकार होता देखेंगे। और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं सभी लोगों को पता होगा जो कदाचित में हर डिपार्टमेंट में लगभग जो है कि दुनिया का जो बेस्ट मॉडल है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा और कहाँ पर हमारे जो स्टेक होल्डर है ये अथॉरिटियां दो अथॉरिटियों के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वो सब करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं वो फैसिलिटेटर हैं। हमारा काम अब केवल कोऑर्डिनेटर फैसिलिटेटर का ये फर्स्ट स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर हमारे शहर का नागरिक क्योंकि जैसे कहा जाता है हम शहीदों के सपना की बात करते हैं आजाद भारत के हर नागरिक का एक सपना होता है इंडिया में ये एक सपना रहता है कि मेरा एक अपना घर है। उस नागरिक को सपने को पूरा करने के लिए भी इस शहर ने बहुत काम किया है। आपने भी आज एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है घर देख के आया था बहुत अच्छे क्वालिटी के घर बने हैं आज एक स्कीम 15 अगस्त के अवसर पर हमने लॉन्च करी है लोगों को और सपनों को घर देने के लिए बहुत लोगों को हमने प्लॉट दिया है। ये एक पूरा शहर बताया है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी हो। जो हमारा अगला स्टेक होल्डर है वो है किसान जिसने यहाँ पर जो यहाँ का ओरिजिनल मालिक है जिसने ये शहर बसाने के लिए अपनी माँ जैसी जमीन को एक तरह से हम लोगों को दिया इस विश्वास के तहत कि हम उस पर न्याय करेंगे हम उस पर पूरे भारतवासियों को जो सपना है घर का या उद्योग लगाने का उद्यम लगाने का एक अपनी रोजी रोटी स्थापित करने का उसकी रोजी रोटी स्थापित करके हमारे भारतवासियों को रोजगार देने का उसको पूरा करने के लिए उन किसानों के लिए जो उनके अधिकार हैं उनको देने में क्योंकि हम लोगों ने वाकई बहुत देर लगाई है हमें जिस वक्त अधिग्रहण करते हैं उनके जो जो अधिकार हैं कायदे में उसी वर्ष में हमें दे देने चाहिए परंतु मैं देखता हूं हर एक को हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं जब उस किसान को 6% की देने की बात आती है लीज बैक की देने की आती है इतने डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं ये चीजें ठीक नहीं है हमें उसको बहुत जल्दी करने की जरूरत है। ये सारे कंसल्टेंट उसमें आप हेल्प कर रहे हैं। स्मार्ट विलेज जो मैंने कहा कायदे में ये जो स्मार्ट विलेज है ये हमारे किसी सेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। जो हमने 6% के प्लॉट लगाए हैं वो हमारे नॉर्मल सेक्टरों की तरह ही विकसित होने चाहिए उतने ही बढ़िया लेकिन उनसे भी बढ़िया और अभी भी हम जितने मैं कहूंगा जितने हम और बना रहे हैं हम उसको उसी तर्ज पर विकसित कर। फिर हमारा असली जो है हमारा ये क्योंकि हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप है
हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उद्यमी, वो किसी भी तरह का हो सकता है, इंडस्ट्रियल का, कमर्शियल का, आईटी का, वो भी, क्योंकि वो अपनी सारी पूंजी को रिस्क में लगाता है, करोड़ों रुपए अपनी जितनी उसने उसके बाप दादा में जो पूंजी अर्जित करी, उसने जो पूंजी अर्जित करी, जो बैंक से लोन लेता है लाखों करोड़ों रुपए का, वो केवल हमारे दम पर अथॉरिटी मेरी रक्षा करेगी, मुझे ना केवल जमीन उपलब्ध कराएगी, फैसिलिटेट करेगी, हमारे दम पर आके कहां कहां दुनिया के हर कोने से, भारत के हर कोने से आकर यहां पर उद्यम लगाता है। ये असली जो है आज के भारत के, आधुनिक भारत के, ये भी हमारे असली मंदिर में स्थित है, तो स्थापित करता है यहां पर, रिस्क लेता है और उसमें रोजगार सृजन करता है, टैक्स देता है जिससे सब कुछ चलता है, अथॉरिटी को जो है अथॉरिटी का रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करता है, सभी प्रकार की जो चीजें हैं देश के विकास में, जिसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, वो एक उद्यमी करता है, उस वैल्यू से हम टैक्स लगाते हैं, उससे रोजगार देता है, उससे अपना प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट को अगले उद्यम में स्थापित करता है, वो हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। तो मैं कहूंगा कि जो हमारे शहीदों ने ये दिन देखने के लिए 15 अगस्त 1947 का और उसके बाद हर 15 अगस्त देखने के लिए, और इसी प्रकार से जो 26 जनवरी हम मनाते हैं जिस दिन हमारी पूरी व्यवस्था लागू होती है, उसको सपनों को पूरा करने में मैं समझता हूं यदि आज हम एक अंतम चिंतन करते हैं, कोविड में जिस प्रकार से मैंने कहा, जिस प्रकार से योगदान दिया, उसमें अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से जाकर आपने मुझे ध्यान समाकांत जी को पूरी टीम में जब आप लोग करते थे, मैं कहता था सघन, और वो कौन सा जो है मैं कहता था सघन आप सैनिटाइजेशन करिए, ठीक है, मैं कौन सा वर्ड याद करता था, मैं देखता हूँ खुजान सिंह जी वो आज भी और डोरीलाल वर्मा लिखते रहते हैं डी बैंड जो है सैनिटाइजेशन करा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो है। एक दो चीजें और, हमारे नागरिकों को म्यूनिसिपल गवर्नेंस में जो एक और हमारा बहुत बड़ा जो हमारी आरडब्ल्यूएस हैं उनका म्यूनिसिपल गवर्नेंस में भागीदारी का एक बहुत बड़ा मतलब उनका हमने उसको पूरी तरह से जो अपने इन्वॉल्व किया है, जहाँ के शहर के स्कूल कॉलेजेस सीओ फोरम फ्रेंड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा और हमारी आरडब्ल्यूएस को पूरी तरह से हमने योगदान दिया है, एक बहुत बढ़िया। अभी जब मुख्यमंत्री जी का पिछला दौरा हुआ उसमें मैं कहता हूँ आप सब लोगों को मैं जितना धन्यवाद और जितना आपका अभिनंदन करूँ उतना कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इस दौरे में बहुत बहुत प्रसन्न थे, ना केवल कोविड को लेकर अन्य चीजों को भी लेकर उनके साथ बात करने का बहुत मकसद मिला, बहुत अवसर मिला। इस बार मैंने नाम से कई अधिकारियों के बारे में भी उनको बताया कि इस प्रकार की चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि हमने ये चीज करी, उस अधिकारी ने इसमें योगदान दिया काफी जो है। तो ये इसी प्रकार से म्यूनिसिपल फंक्शन जो भागीदारी एक नई चीज हमने शुरू करी है कि हमारे वो सब चीजों को जो अथॉरिटी के फंक्शन को एक डॉग जो मीनास होता है उसको लेकर छोटी सी बात कि जो है उसको किस तरह से नियंत्रण, जो मॉडल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कई बार वो आम पब्लिक को पसंद नहीं आते हैं, परंतु ये देखने की बात होती है कि ये दुनिया के टाइम टेस्टेड मॉडल्स हैं। एक होता है सस्टेनेबल वर्ल्ड, एनवायरमेंट की कैटेगरी के बाद में कही जाती है सिस्टम वो बनाने चाहिए जो सस्टेनेबल हो, आप एक शॉर्ट टर्म के तौर पर कई चीजों को कर सकते हैं, जनता को खुश कर सकते हैं, परंतु उससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन खोखली होती है, उसको कभी नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम में जनता की भागीदारी हो। मुझे एक बहुत पहले मुझे ध्यान है एक हमारे मंत्री जी थे लल्लू सिंह जी शायद, उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया था, उन्होंने एक उदाहरण दी थी, कह रहे जब देश में विकास की योगदान शुरू हुआ था तो उस टाइम था कि सरकार के पास ग्राम विकास के लिए पैसा नहीं था, तो एक गांव में हुआ कि फरंजा बनाया गया, तो उसमें तय किया गया अभी आपके पास साहब जो आप सेठ आदमी 10 एकड़ जमीन है तो आप 10 रुपए दीजिए, उस टाइम 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज, और जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो 1 रुपया देगा, पर ये हुआ कि कोई भी बंदा कितना भी गरीब क्यों ना हो वो कुछ पैसा जरूर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और सबके लिए तय किया जो कुछ नहीं दे सकता वो एक अपना जरूर योगदान करेगा, और कह रहे खड़ंजा लगना शुरू हुआ, और जिस व्यक्ति ने एक अन्ना दिया था वो अपना लठ निकाल लाया और उसने जो है जो मेसन था जो मिस्त्री था राजमिस्त्री को पीटना शुरू कर दिया, और उसने कहा लोगों ने कहा कि क्या हुआ इतना अच्छा तो काम कर रहा है खड़ंजा लगा रहा है, उसने कहा जब अन्ना दिया था तब बात हुई थी कि अव्वल दर्जे की ईंट लगेगी और ये द्वयम दर्जे की ईंट लगा रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक उदाहरण है, यदि हमारी पब्लिक का, क्योंकि ये जो पैसा हम खर्च रहे हैं ये पब्लिक का पैसा है, ये वो मालिक है शहर के, हम लोग मालिक नहीं है, हमें
एक सिस्टम के माध्यम से ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस पब्लिक के आकांक्षाओं को हम पूरा करें। वो मालिक है, वो आरडब्ल्यूए, वो इन्वेस्टर, वो उद्यमी, वो किसान, केवल हम जो उसका एक सिस्टम बनाया है कि उसकी पावर राज्य सरकार में वेस्ट हो जाती है, राज्य सरकार ने अपने सिस्टम बनाए हैं, अथॉरिटी एक सिस्टम बनाया, अथॉरिटी में हम लोगों को तैनात किया है, मालिक वही लोग हैं, उनके बिहाफ पे हम निर्णय लेते हैं, तो उनकी डायरेक्ट भागीदारी जरूरी है कि वो देख सके कि हम किस प्रकार से काम करें। आज जो आपने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उच्च कोटि का था, परंतु द्वारा आई थिंक हम लोगों ने उसको जो है जिस प्रकार से आप सड़कें देखिए, मुझे ध्यान है जब मैं ज्वाइन किया था पत्रकारों से हर टाइम एक ही बात सुनाई देती थी, सब सड़कें टूटी हुई। आज जब मैं पूछता हूँ, मैंने कहा वो आप लोगों ने शोर में जाने बंद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं सर अभी भी टूटी है, परंतु उन्होंने कहा कि हाँ जो मेन सड़कों की जो दिक्कत होती थी वो 90% सड़कें आप बन चुकी हैं, इसलिए हमको लिखना नहीं पड़ा। अब सेकेंड जो है छोटी सड़कें उनको स्टैंड किया जा रहा है, जो ट्रेन हैं, जो मैंने कहा जो आपको सीवरेज की बात बताई, स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, हमारा एलईडी का सिस्टम जो है लगभग तैयार है, किसी वक्त हम उसको टेंडर कर देंगे। एक हमारा सड़कों को मरम्मत करने वाला टेंडर हमारा खुल चुका है, बहुत जल्दी कि जो मरम्मत कर जो सिस्टम था कि हमें हर चीज का टेंडर करना पड़ता था, 6 महीने लगते थे, अब हमने 3 साल का एक टेंडर किया है कि सड़क पर जो भी गड्ढा भरेगा हर महीने की 3 दिन, हर महीने में 3 दिन, मतलब वो फ्राइडे सैटरडे संडे, सेकंड फ्राइडे सैटरडे संडे को 3 दिन गड्ढे भरने का अभियान चलेगा, और जितने एक महीने में गड्ढे भरेंगे वो अगले महीने के सेकंड फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिन में भर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ की पब्लिक की जरूरत है, हॉर्टिकल्चर वाला आजकल हॉर्टिकल्चर का जिस तरह से टेंडर आप लोगों ने मिलता है, हमारे टेंडरों में बाय चांस ऐसे सिस्टम बन गए थे जो सिस्टम में सेल्फ पॉलिसिंग सिस्टम होता है, यदि आपने सुना हो वैट और जीएसटी सेल्फ पॉलिसिंग है, हर बंदे को फायदा वैट अदा करने में है, पहले जो फायदा था चोरी करने का, इसलिए जब हम लोगों ने स्टडी किया कुछ टेंडर हमारे ऐसे थे तो उसमें यदि हमारे ठेकेदार काम ना करे तो ज्यादा फायदा। अब जो हमने जो हॉर्टिकल्चर के जो नए टेंडर बनाए जो अभी टेंडर पीछे खुला है उन टेंडरों में उसका सिस्टम बदला गया है, पूरे सेक्टर का एक टेंडर होगा, तो उसमें ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि उस ठेकेदार को काम करने में ज्यादा कमाई है, चोरी करने में कम कमाई है और ज्यादा खतरा है, पहले चोरी करने में उसको ज्यादा फायदा था, अब जितना वो काम करेगा तो उतनी कमाई उसकी बढ़ती जाए, तो एक तरह से उसको मेहनत ईमानदारी से करने के सिस्टम धीरे धीरे विकसित किए जा रहे हैं, जो एक SLA होता है जगह सिस्टम लेवल एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं, और उसमें भी मानवीय पहलू खत्म करके टेक्नोलॉजी माध्यम से, टेक्नोलॉजी को हमने एक बहुत बड़े तरीके से लागू कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के फायदे हैं यदि अच्छे ढंग से लागू करो, टेक्नोलॉजी के आप गुलाम बन जाइए तो इसके नुकसान बहुत, ठीक है। सिंपल टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी हमने यूज करी है, हमने फेसबुक को यूज किया है, ट्विटर को यूज किया लोगों की शिकायतों के लिए, तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो एक परिकल्पना एक नए भारत की, नए ग्रेटर नोएडा की सब लोगों की थी, हमारे हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिस प्रकार से वो लीड कर रहे हैं कोविड की लड़ाई को या उसको किस प्रकार से आगे ले जाना, उसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो मैं समझता हूँ इतने कम स्रोतों के साथ, इतने कम सोर्सेज के साथ, मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ कि 2000 नोएडा के एम्प्लॉई 2400 और 378 ग्रेटर नोएडा का, यहाँ का हर एम्प्लॉई 8 एम्प्लॉइज के बराबर काम करता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी मैंने देखा बहुत सारे विभाग 24/7, क्योंकि मैं जब आया था मुझे था भी सैटरडे संडे हमेशा अपने एंजॉय करने चाहिए खूब 5 के साथ, पर मैंने यहाँ आकर देखा यहाँ एक कल्चर बना हुआ है 7 दिन काम करने का, यहाँ पर जो है किसी भी टाइम आप SMS कर दो व्हाट्सएप से, जो मेरा मकसद था ये मतलब होता था मेरा व्हाट्सएप कि जब मैंने लिख मेरे पर कन्वीनियंस है मैंने अपनी सुविधा से लिख दिया, जो मेरा अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी सुविधा से जवाब दे दे, कोई सवेरे जल्दी जागता है कोई शाम को देर तक सोता है, हर की अपनी अपनी सुविधा, परंतु मैंने देखा यहाँ पर तो मेरी आदत आप लोग कारण खराब हो गई कि यहाँ पर आप सैटरडे को काम कर दो तो वो जाके वहां खड़े हो जाते हैं प्रोजेक्ट वाले और काम करके बता देते हैं, ठीक है। ये चीज मतलब मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी चीज एटीट्यूड कहा जाता है, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को, मैं जब 1.5 साल पहले आया था बड़ी जोश से आया था, फिर 2-3 महीने बाद मुझे लगा नहीं यहाँ प्रॉब्लम है उस तरह से,
पर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यहां का हर कर्मचारी हर अधिकारी अपने फुल पोटेंशियल के साथ, मतलब पोटेंशियल फुल पोटेंशियल तो 100 होता है, मैंने बताया 800% तक यहां का फुल पोटेंशियल है और लगभग 400-600% इंडस्ट्री तक का काम कर रहे हैं। और ये ग्रेटर नोएडा का बहुत ही फ्यूचर भविष्य है, बहुत ही अच्छा भविष्य है आप लोगों के कारण। केवल हमें इसके प्रति डेडिकेशन, जो हमारे फ्रंट वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे जो एक पार्टनर हो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके थ्रू, सफाई कर्मचारी जो अभी हमारे सैनिटाइजेशन में छिड़काव करने वाले लोग, जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में घर घर कूड़ा इकट्ठे करने वाले लोग, फिर उनके साथ जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, कल मैं यहाँ खड़ा होकर सुपरवाइजर से साथ बात कर रहा था। मेरे स्टाइल आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा मैं उनको सख्ती से भी बात किया, पर मैं आखिर में जो बात कह रहा हूँ ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ कि असली कंट्रीब्यूशन सबसे पहले इस शहर को, क्योंकि कभी कोई शहर है ये, जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ, ये मेरे कमरे से मैं सबसे अक्सर देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा ये सराउंडिंग जो है मुझे थोड़ा उसमें, मैंने मुझे ध्यान है पहली बार मैं समाधान जी, कौशिक जी, अजय राय, सब लोग हम एडिशनल सी यहाँ घूमे थे। आज यदि किसी के पास 2 साल पहले की फोटो हो इस एरिया की और आज की फोटो हो, मेरे ख्याल से जमीन आसमान का अंतर है। ये खाली एक बानगी थी। अभी मैं एक उदाहरण जो है मैं कहने से अपने आप को रोक नहीं सकता, अभी 4 दिन पहले संदीप भक्ता को, जो बिजली की मैंने बात करी, नवानी जी को कहा मैंने बिजली लगाओ, नवानी जी ने कहा भक्ता जी आए हैं, मैं चिड़ गया भक्ता जी क्यों आया मेरे पास, इतने अधिकारी हमसे पूछे, तो भक्ता जी ने कहा सर नहीं आपने लाइट लगाने का, मैंने कहा खाली इतना कर दीजिए पूरा देश पूरा शहर कोविड नामक महामारी से थोड़ा जूझ रहा है, डिप्रेशन का माहौल है। आपको देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी थाली भिजवाकर कभी दिया जलाकर लोगों की स्पिरिट्स को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, कुछ ऐसी लाइटिंग कर दीजिए कि लोगों को इस जो है थोड़े से सबड्यूड माहौल में उनकी स्पिरिट्स ऊपर जाए, उनको एक फेस्टिवल का महसूस हो। हमारा आजादी का पर्व वैसे ही सबसे बड़ा पर्व है, तो इन्होंने जिस प्रकार से लाइटिंग करी, मैं देख रहा था रात को मैं जाकर टेलीविजन ऑन किया तो टेलीविजन में ग्रेटर नोएडा लाइटिंग के सीन आ रहे थे, मैं हैरान रह गया। ये उत्कृष्टता की उदाहरण है। तो ये मैंने इनको उसी टाइम एक ऐसे में भेजा, ये कह रहे थे सर आपके कारण, मैंने कहा मेरे तो यार मैंने तो इतनी बढ़िया लाइटिंग नहीं सोच पाया था, मैं ये आप लोगों की है, इतनी अच्छी चीज कर देना उत्कृष्टता की एक उदाहरण है। तो कृपया करके यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारे नागरिक को, मतलब मैं कहूँ यदि गवर्नमेंट के पास कम आना पड़े, गवर्नमेंट विभाग से उसका काम एक मोबाइल पे टच बटन से हो जाए, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ग्रेटर नोएडा में हम ये कर दिखाएंगे ताकि वो हमारा नागरिक उद्यम स्थापित कर सके, इस तरह के हमारे मंदिर स्थापित कर सके। भाई चंद साहब एक रिलीजियस प्लॉट्स की स्कीम लाए हैं, मैं उन मंदिरों की बजाय, मेरे लिए हर इंडस्ट्री एक मंदिर है जहां पे उद्यम जनरेट हो रहा है, जहां हमारे कर्मचारी हमारे किसी बंदे को रोजगार मिल रहा है वो भी एक मंदिर, सब तरह के मंदिर यहाँ पर उस तरह से स्थापित हो सके। ये जो है इसी विश्वास के साथ पुनः आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।